जून 2012, दिन शनिवार, वक्त रात के 10:30 बजे, फोन की घंटी बजती है। राधे माँ का बुलावा आया था, 3 घंटे में दिल्ली में इंटरव्यू देना तय किया गया, वक्त बिल्कुल नहीं था। तुरंत तैयार होकर दिल्ली रवाना हुए एबीपी संवाददाता जगविंदर पटियाल। उधर मुंबई से राजू करिया भी दिल्ली की फ्लाइट पकड़ चुके थे। राजू ही राधेमा और हमारे संवाददाता के बीच की कड़ी बने। 2:20 पर जगविंदर दिल्ली के रोहिणी इलाके पहुंच गए। 3 जून 2012 रात के 2:30 बजे, रोहिणी सेक्टर 5, पॉकेट 11, प्लॉट नंबर 5। गाड़ी से उतरते ही मेरा परिचय टल्ली बाबा से हुआ। राधेमा से मिलने का यही माध्यम होते हैं। टल्ली बाबा मुझे तुरंत मकान के अंदर ले गए। ग्राउंड फ्लोर पे जूते उतरवाए गए। अंदर लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। मुझे दूसरे माले पर ले जाया गया, जहां राधे माँ के करीबियों को मेरे आने की खबर थी। दूसरी मंजिल पर जिस जगह राधे माँ का दरबार लगा था, वो करीब 10 फुट बाय 20 फुट का एक सामान्य कमरा नजर आया। कमरे में लोगों की भीड़ दिखाई दी। लोग लाइन लगाकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। अंदर घुसते ही संगीत और जयकारों की आवाजें आनी शुरू हो गयी। इसके बाद टल्ली बाबा एबीपी संवाददाता जगविंदर पटियाल को राधे माँ से मिलाने अंदर ले गए। मेरे सामने एक छोटा सा स्टेज था, उस पर उपहार नजर आ रहे थे और राधे माँ का। जब मैं कमरे में पहुंचा तो राधे माँ वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन मेरे आने की ही देर थी कि बाईं तरफ से एक दरवाजा खुला और राधे माँ दिखाई दी। राधे माँ को गोद में उठाकर लाया जा रहा था। उनके एक हाथ में बनावटी तस्वीर था, चेहरे पर मुस्कान और हमेशा की तरह सजी धजी हुई। इन तस्वीरों में राधे माँ दिखाई दे रही हैं, तो साथ ही नजर आ रहे हैं एबीपी संवाददाता जगविंदर पटियाल। जगविंदर राधे माँ का पक्ष जानने ही उनके पास गए थे। सिर पर रुमाल रखकर एबीपी संवाददाता ने भक्तों की आस्था का सम्मान किया, लेकिन हमें इंतजार था अपने सवालों के जवाब का। स्टेज पर आते ही राधे माँ भीड़ में टकटकी लगाकर मुझे देखने लगी। अभी कुछ सेकंड ही हुए थे कि छोटी माँ ने मुझे आगे बुलाया। मैं स्टेज की तरफ उनकी ओर बढ़ा और वो मेरे कान में कुछ बोलने लगी। इससे पहले कि मैं उनकी बात सुनकर पीछे हटता, संगीत की आवाज काफी तेज थी और राधे माँ ने मुझे आगे स्टेज की तरफ इशारा किया। उनके करीबी लोग मुझे आगे बुलाने लगे। सिर्फ यही दृश्य कैमरे में कैद हुए जब एबीपी संवाददाता जगविंदर पटियाल नजर आ रहे हैं। दरअसल राधे माँ के सेवादारों ने इस बात का पक्का इंतजाम किया था कि रिपोर्टर और कैमरा एक साथ मौजूद ना हो। एक वक्त में कैमरा अंदर पहुंचता और कैमरे को बाहर भेजने के बाद संवाददाता को अंदर बुलाया जाता। मैं जब राधे माँ के करीब पहुंचा तो उन्होंने मेरे कान में कुछ बोला और मेरे हाथ में ये गुलाब का फूल थमा दिया। ये फूल अभी मेरे पास है। इसके बाद राधे माँ फिर से भक्तों की तरफ देखने लगी। उन्होंने एक नन्ही बच्ची को गोद में भी उठाया और उसे अपने हाथ का त्रिशूल पकड़ा दिया। आशीर्वाद की मुद्रा में बच्ची का हाथ भी उठवाया। एबीपी संवाददाता ने बार बार देखा कि वो खुद भक्तों की गोद में सवार होकर कृपा दे रही थी। वो जिसे चाहती बुलाती और वो उन्हें गोद में उठाकर आशीर्वाद लेता। थोड़ी देर बाद एबीपी संवाददाता को फिर से आगे बुलाया गया। हाथ में गुलाब का फूल लिए मैं एक बार फिर भक्तों की भीड़ में खड़ा हो गया। माता की चौकी का दौर आगे बढ़ रहा था। उनके भक्त उन्हें गोद में उठाकर जिस तरह झूला झूलाते हैं, उस तरह से कृपा ले रहे थे। कुछ ही मिनट हुए थे, एक बार फिर राधे माँ का ध्यान मेरी तरफ गया और उन्होंने फिर दोबारा अपने सेवादारों को इशारा किया कि वो मुझे आगे बुलाएं। मैं दोबारा आगे गया तो उन्होंने मेरे गले में ये माता का जो दुपट्टा होता है वो मेरे गले में डाल दिया। इस दुपट्टे को लेकर एकदम पीछे उनके भक्तों की भीड़ में खड़ा रहा और उनकी चौकी में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से उनके दर्शनों का दौर आगे बढ़ रहा है, इसे देखता रहा। राधे माँ के भक्त पूरी आस्था से भजन कीर्तन कर रहे थे। जागरण पूरी शानो शौकत के साथ आगे बढ़ रहा था। राधे माँ के दिल में जो आता वो अपने भक्तों को अपनी ये उपहार कुछ भी हो सकता था, फूल, चुन्नी या फिर पैसे भी। यूं तो हमारा कैमरा तस्वीर ले रहा था, भक्तों की आस्था और राधे माँ की कृपा बांटने का तरीका भी रिकॉर्ड कर रहा था, पर राधे माँ के सेवादार जब चाहे कैमरा बंद करा देते थे। तकरीबन इसी तरह आधा घंटा गुजर गया। सुबह के 3:30 बज चुके थे। इसके बाद एक बार फिर एबीपी संवाददाता जगविंदर पटियाल को अंदर बुलाया गया। अब कमरे में भक्तों की भीड़ कम हो चुकी थी। जो थोड़े बहुत बचे थे उन्हें भी टल्ली बाबा और गुप्ता परिवार दर्शन कराकर विदा कर रहे थे। इसके बाद तीसरी बार एबीपी संवाददाता कान में कहा, अगर भोले शंकर का नाम लेकर आओ तो सब कुछ हो सकता है। हमारे संवाददाता ये सुनकर खड़े रहे। राधे माँ ने दोबारा कान में फुसफुसाया, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यानी क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहती हूँ।
राधे माँ भक्तों से बात करती कभी नजर नहीं आती, लेकिन वो बोली और बोली ही नहीं, अंग्रेजी में बोली, अंग्रेजी भी पंजाबी लहजे वाली। राधे माँ हिंदी बोलती हैं और अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करना भी वो जानती हैं, लेकिन उनकी दोनों भाषाओं में पंजाबियत साफ झलकती है। मेरे कान के पर्दों से जो उनके शब्द टकराए थे, उसी आधार पर मैं आपके साथ ये चीज साझी कर रहा हूँ। इसके बाद जगविंदर पटियाल ने साफ शब्दों में कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं, पर मैं सिर्फ आपका इंटरव्यू चाहता हूँ। इसके बाद राधे माँ ने हमारे संवाददाता की तरफ सीडी नुमा पैक भी बढ़ाया और कहा, जाओ पहले ये करो उपहार के तौर पर। सीडी होल्डर नुमा एक उपहार को राधे माँ मेरी ओर बढ़ा रही थी। वो स्टेज पर खड़ी थी, उनके करीबी आसपास और मेरे पीछे खड़े थे, लेकिन मैं उस सीडी होल्डर को पकड़ने के लिए तैयार नहीं था। शायद राधे माँ को ये अच्छा भी नहीं लग रहा था और ना ही उनके करीबियों को। इतने में ना जाने मेरे पीछे उनके करीबियों के बीच क्या हुआ कि मैंने देखा कि राधे माँ को गुस्सा आ रहा है। उन्होंने काफी घूरने की मुद्रा में अपने करीबियों की ओर देखा और उसके बाद यहाँ तक कि जैसे बच्चे को झापड़ दिखाया जाता है, वैसे उन्होंने गुस्से में इशारा भी किया। इसके बाद राधे माँ चली गयी और उनके भक्त एबीपी संवाददाता को राधे माँ के करिश्मों का बखान करते रहे। उनका बार बार कहना था कि राधे माँ के दरबार में आना है तो एक भक्त की तरह हो, एक पत्रकार के तौर पर नहीं।